हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज डेट है 14th of June और हम दो दिन पहले यहाँ पे आए थे और कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, हम रिलैक्स कर रहे थे। वो जो सामने आपको होटल्स और घर वगैरह दिख रहे हैं वो है मैन मनाली और वहीं पे कहीं है मॉल रोड। और यहाँ पे देख लो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, मनाली अब थोड़ा ओवर क्राउडेड हो गया है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मूड नहीं था, इसलिए यहाँ पे आगे ओपी भाई के पास और दो दिन रिलैक्स किया। और छत पे मैं आया था अपने जो जूते सुखाए थे उनको लेने के लिए, ये पड़े हैं, थोड़े से गीले हैं, सूख रहे, थोड़े से गीले हैं, अभी 10-15 मिनटों में और सूख जाएंगे, फिर इनको पहनते हैं और चलते हैं रोड पे और स्टार्ट करता है हिच हाइक। तो निकल गए हाइडिन होटल से और नीचे जाना पड़ेगा हमें, पहले कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो ये रोड जाएगी सबसे पहले नीचे, तो आगे हैं मेन रोड पे। ये जो पीछे वाली रोड जाती है वो जाती है हाइडिन होटल पे, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिच हाइक। देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है, कहाँ तक मिलती है, सीधी मिलती है, छोटी मिलती है, सब बताएंगे आपको, जैसे हमारी पहली लिफ्ट मिलती है। क्या लाइन थी लंबी सी। तो गाड़ियाँ तो खूब जा रही है, तो लिफ्ट की कोई टेंशन नहीं है कि लिफ्ट नहीं मिलेगी। यार ये एक मेरी आदत ख़राब हो रही है, मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, मेरी उंगली थोड़ी कैमरा के आगे आ जाती है। कपल्स यहाँ पे आते हैं हनीमून पे, तो काफ़ी कपल जा रहे हैं जिनकी पीछे वाली सीट खाली है, तो लिफ्ट मिल जाएगी इजीली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। भगवान करे ऐसा ही हो, जल्दी लिफ्ट मिल जाए। तो यहाँ सिटी रोड पे कोई लिफ्ट दे नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादा आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी, अगर आपको लिफ्ट लेनी है तो सिटी से आपको बाहर जाना पड़ेगा। और ट्रैफिक देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो अभी मैं सिटी से थोड़ा बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे हम लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो भाई पहली लिफ्ट मिल गई है और वो भी मिली है फॉर्च्यूनर के अंदर, और अभी तक की हमारी सबसे लग्जरी गाड़ी है जिसके अंदर हमें लिफ्ट मिली है। और इन भैया ने लिफ्ट दी है, क्या नाम है भैया आपका? धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र भाई ने लिफ्ट दी है। धीरेन्द्र अटल से थोड़ा पहले हमें छोड़ देंगे ये, तो वहाँ तक जाएंगे, फिर उससे आगे हम और हिचहाइक स्टार्ट कर देंगे। तो मज़ा आ रहा है और फर्स्ट टाइम फॉर्च्यूनर के अंदर लिफ्ट मिली है। तो फॉर्च्यूनर वाले भाई ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है, वो वहाँ पीछे चला गया और हम आगे जा रहे हैं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ब्रिज क्रॉस करने के बाद वापस हिचहाइक स्टार्ट करेंगे। और ये जो नदी चल रही है साथ में, ये है ब्यास नदी, इसका पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जब मैं 2015 में आया था उस वक्त ये बहुत ज़्यादा लेवल इसका हाई था। अभी सांस फूल रही है क्योंकि इंक्लाइन रोड है, तो वहाँ पे जाके मैं आपसे मिलता हूँ। और ये परचम ब्रिज है पता नहीं, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो, साइड में पैदल जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़ मस्त लगी। तो इन भाई ने लिफ्ट दिया हमें अटल टनल तक, थैंक यू भाई जी, वेलकम। पिकअप हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, पिकअप में बहुत ज़्यादा लिफ्ट मिलती है हमें।